कि अल्टरनेटिव में कोई और गेम देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रात में जब आदमी ऑफिस से थक वगैरह के आता था तो थोड़ा अच्छा लगता था, टाइम पास हो जाता था, मन को अच्छा लगता था। पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से तो बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगा। हेलो फ्रेंड्स, ये सब जो आपने अभी देखा ये असर है पबजी बैन होने का। अगर आप भी एक पबजी प्लेयर थे तो आप इस सबसे ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम पर इंडियन गवर्नमेंट और अक्षय कुमार का कुछ और ही कहना है। क्यों थक रहे हो? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए इंडियन गवर्नमेंट और अक्षय कुमार मिल के ला रहे एक न्यू FPS गेम जिसका नाम है फौजी। इस गेम के डेवलपर बताए जा रहे हैं एनकोर गेम्स, जो कि एक इंडियन कंपनी है, और ये गेम बन रही है अंडर द मेंटोरशिप ऑफ अक्षय कुमार। इस गेम का 20% नेट प्रोसीड भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। इस गेम की रिलीज डेट अभी पता नहीं है, लेकिन अक्टूबर के एंड में ये गेम रिलीज हो जाएगी। अब इंतज़ार है तो बस इस गेम के रिलीज होने का और ये देखने का कि क्या ये गेम हाइप और एक्सपेक्टेशन को मैच कर पाएगी और पबजी की जगह हमारे दिलों से ले पाएगी। और इस गेम से रिलेटेड अपकमिंग डिटेल्स, गेम प्ले और फर्दर अपडेट्स जानने के लिए पहाड़ स्ट्रीम को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पैसा ही पैसा होगा।